ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों, आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके जीवन से जुड़े हुए, आपकी राशि से जुड़े हुए सकारात्मक वीडियो हमेशा मिलते रहें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, मान लीजिए बहुत से जातकों की कुंडली में राहु शनि दो ग्रहों की वजह से कई सारी परेशानियां उन्हें खड़ी होती है। बहुत सारे जातकों की कुंडली में शुक्र खराब होता है, जिनसे उनका विवाह, शादी या दाम्पत्य, घर में क्लेश होता है। और बहुत सारे जातकों के राहु या केतु की ऐसा मोमेंट होता है कि वो बहुत तनाव और बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। उनको कोई चीज़ें समझ ही नहीं आती, उनकी लाइफ में सफलता मिलती नहीं है, बार बार उनको धोखे होते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक बहुत बड़ा चीज़ है। हम उन सभी चीज़ों को दरकिनार करके, दरकिनार से मेरा मतलब है कि उन सभी चीज़ों पर बात न करते हुए, हम सिर्फ और सिर्फ इस 2.5 मिनट के वीडियो में आपको ये समझाना चाहते हैं कि 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपका खराब हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको बुरे परिणाम देखने को मिल रहे होंगे, तो आप उन सभी चीज़ों को बहुत 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 बेहतर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से। वो तरीका ऐसा है, सबसे पहले आप अपने घर के आसपास जो भी जगह हो, खाली जगह हो, वहाँ से मिट्टी ले आए, या खेत की मिट्टी लेकर आए। खेत की मिट्टी लेकर आए, नमक जो हमारे घर में आसानी से हमें मिल जाता है, नमक ले और मिट्टी ले। नमक मिट्टी को मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी भी, एक छोटी छोटी सी भी मात्रा में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ ही लाल या काला या सफ़ेद, इन 3 रंगों में से कोई कलर का भी एक कपड़ा ले, छोटा सा कपड़ा ले, उसमें वो मिट्टी को आपको रखना है। रखने के बाद में 11 से 21 बार अपने ऊपर क्लॉकवाइज अप एंड डाउन उतारें, तब आपको मंत्र उच्चारण करना है, महामृत्युंजय मंत्र या नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना है, नमः शिवाय करना है। और उसके बाद उस पोटली को आप कहीं भी अपने घर के आसपास जमीन में गाड़ दीजिएगा। इस प्रयोग को करने से जितने सारे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव है, उन प्रभावों को कम किया जा सकता है। ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग है और बहुत सारे जातकों को इससे फ़ायदा मिला है। लेकिन इसे बहुत शांति से करें और इसे कोई टोटका ना समझे, कोई नेगेटिव नहीं है ये, कहीं भी नकारात्मकता में नहीं है, क्योंकि नमक जो है घर की नकारात्मकता दूर करता है। नमक में कई सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं और नमक